Namaste students, welcome in Saraswati Vidya Mandir online classes. Today we will discuss the next part of the chapter 2, nutrition in plants. Now, yesterday I explained autotrophs and today I will explain heterotrophs. Hetero means others, and some plants and animals depend on the others. Those, for example, animals take food from the plant. So animals are heterotrophs. Animals and most of the organisms take in food prepared by plant. They are called heterotrophs. Heterotrophs का मतलब कि plant जो है कुछ plant and कुछ जो animals हैं वो दूसरे जो है substance से अपने food को लेंगे. इसलिए उनको हम heterotrophs बोलते हैं. Heterotrophs. Next very important word is photosynthesis. Photosynthesis means food making process in plant. जो autotrophs हैं वो अपना food जिस process से prepare करेंगे it is called photosynthesis. Photosynthesis के लिए जो मैंने आपको discuss किया था कि photosynthesis के लिए sunlight, water, chlorophyll is on carbon dioxide बहुत ही जरूरी है. ये अगर मिलेंगे यानी कि जो plant कलर्ड है या ग्रीन है वो प्लांट की फूड प्रिपेयर करेंगे. जो प्लांट कलर नहीं है वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे. तो फोटोसिंथेसिस जो है फूड मेकिंग प्रोसेस है बाय प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल मैंने कलर, ग्रीन कलर, एनी कलर, कलर्ड प्लांट ही जो है फूड प्रिपेयर करेंगे. नाउ नेक्स्ट नॉट मैं बता रहा हूँ स्पेशल. लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट. यानी कि जो प्लांट का जो फूड है वो कहाँ बनता है? लीव्स में, पत्तियों बनता है. पत्तियां जो है फूड फैक्ट्री हैं. उन फूड फैक्ट्री में टोटल जो फूड है वो जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा और वहां से फिर प्लांट लेगा. नाउ तो आपको इसका जो इक्वेशन है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा. अभी मैं आपको फोटोसिंथेसिस बताया है. एंड लीव्स आर द टर्म स्टोमेटा. स्टोमेटा मीन्स जो आपकी लीव्स है, अगर आप ड्राई लीव्स लें उसमें आपको बहुत टीनी पोर्स यानी बहुत छोटे हॉल्स दिखाई देंगे. वो जो छोटे हॉल्स हैं उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं. स्टोमेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट और लीव्स. टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. स्टोमेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्मॉल, अगर आप एक ड्राई लीव्स लें और ड्राई लीव्स को देखेंगे तो उसमें आपको बहुत स्मॉल हॉल्स दिखाई देंगे. वो जो हॉल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है प्लांट्स का. स्टोमेटा जो है टीनी पोर्स है जो इस तरह की किसी भी ऑल द लीव्स हैज स्टोमेटा. इसके थ्रू जो है जो एयर है या जो आपकी ऑक्सीजन है या जो कोई भी आपकी जो गैसेज हैं वो इसमें से जो है इंटरचेंज करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.